एक नजर रिवाइज कर लेते कल क्या पढ़ा। या वेस्टर्न सवाल आ पेज नंबर 85 निकाल हिमोग्लोबिन ये बड़ा पिछला लेक्चर एक एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। एक एक लेक्चर पिछला नहीं बाकी यहाँ से साथ चला। कोशिश करें इस वीक इस मंथ में सॉरी इस मंथ में पिछला कवर हो गया सारा। नेक्स्ट मंथ में फिर साथ होगा तो साथ साथ चलने की कोशिश करें। अब पिछला भी डेफिनेटली कवर करना पड़ेगा एक एक लेक्चर करके कोशिश करें। एक महीने महीने मतलब महीने से ज़्यादा ही लेक्चर हो गए थे लेकिन ये जो आगे हो रहा है ये ना छोड़िएगा साथ साथ लेके चलें। चलें सर पेज नंबर 85 पे कल हमने दो काम किए थे। पीरियड के स्टार्ट पे एक बजट बना था लेकिन उसमें एक्टिविटी लेवल 1000 यूनिट्स था। पीरियड के एंड पे जाके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 900 यूनिट्स की बेस पे एक एक्चुअल रिजल्ट सामने आ गया। ऐसे ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये राइज हो रहा था कि क्या इन एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ 900 यूनिट्स को बजट ऑफ 1000 यूनिट से कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस कर लेना चाहिए। जी चला ये साथ साथ आप चलें चला सब मैक्सिमम समझ रहे 900 यूनिट्स के एक्चुअल रिजल्ट्स को 1000 यूनिट्स के बजट से कंपेयर किया जा सकता है। अगर तो बजटेड एक्टिविटी लेवल भी 900 यूनिट्स होता और एक्चुअल रिजल्ट्स भी 900 यूनिट्स के आ जाते हैं तो हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है। हम ओरिजिनल बजट को इस एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए तो देन पीरियड एंड पे खड़े होके जब ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमें पता चल जाएगा तो फिर हम एक रिवाइज बजट बनाएंगे बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ताकि वो हमारे एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर हो सके। पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके जो आप बजट बनाते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्टिविटी लेवल उसे बोलते हैं फिक्स बजट। सही कहा मैंने 1000 यूनिट्स क्या थे नहीं 1000 यूनिट्स क्या था एक्सपेक्टेड एक्टिविटी लेवल था उस वक्त डेफिनेटली हमें नहीं पता था कि एक्चुअल क्या होना। अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी 1000 यूनिट्स हो जाता तो फिर हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं थी बस हम कंपेरिजन कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए तो पीरियड एंड पे हम एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्टिविटी लेवल जब हम बनाए उठाएंगे वो फिर हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को बेस बना देंगे। तो ये मेरी बात जरा जहन रखते थे नेक्स्ट पेज पर तो बात समझ आएगी ना क्या कहा क्या कहा मैंने क्या मसला क्या हो गया एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गया देयरफॉर अब इस एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे हम एक रिवाइज बजट बना। तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे दो लाइन तो शायद हमने कल पढ़ ली थी हो गया तो नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें स्टार्ट से वेरिएंसेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स टू द फिक्स्ड बजट डायरेक्टली बिकॉज फिगर्स रिलेट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी देयरफॉर अ सेकंड बजट इज ड्रॉन अप एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्यों बनाने लगे हैं फॉर कंपैरिजन और फिर जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे आप रिवाइज बजट बनाएंगे उसका फिर एक नाम है फ्लेक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट एक्सपेक्टेड एक्टिविटी लेवल पे होता है
और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे अगर एक रिवाइज बजट बनाया जाए तो उसका फिर क्या नाम रखा हुआ है? फ्लेक्स बजट का मीनिंग आगे पढ़ा, इट इज अ बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी यूजिंग बजटेड रेवेन्यू पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ से ऑनवर्ड्स बजटेड वर्ड भी यूज होगा और एक स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज होगा और इनके अगेंस्ट एक वर्ड एक्चुअल यूज होगा। बजटेड मीन्स क्या है? बजटेड एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड। इस तरह स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? जो हुआ है या जो होना चाहिए। एक्सटेंडेड एक्चुअल मीन्स क्या है? जो हो गया है। तो स्टैंडर्ड और बजट इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होता है। एस्टिमेटेड के लिए बजटेड वर्ड भी है और स्टैंडर्ड वर्ड भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इनका कंपैरिजन फिर किससे होता है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से होता है। तो दोबारा पढ़ें जरा सेंटेंस। इट इज अ बजट, कौन सा बजट, क्या नाम है बजट का? फ्लेक्स बजट इज अ बजट व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूजिंग बजटेड रेवेन्यूज एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो बजटेड की जगह स्टैंडर्ड रेवेन्यूज भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह बजटेड भी वर्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स बजट एट 900 यूनिट्स विल बी एज फॉलोज। अब इसका करें रजिस्टर, जरा करो ये जो बजट बना हुआ है जरा एक दफा बनवा दो और आप लोग पेज नंबर 85 पे वापस आ। प्लीज गेम ऑन करें सर। क्या बनाने लगे हैं? क्या बनाने लगे हैं? प्लीज क्या बनाने लगे हैं? प्लीज क्या बनाने लगे हैं? ये ना कह दीजिएगा हमें क्या। प्लीज क्या बनाने लगे हैं सर? फ्लेक्स बजट किस एक्टिविटी लेवल पर बनता है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का पता कब चल रहा है? पीरियड के स्टार्ट पे एंड पे। जो ओरिजिनल बजट बनाया था वो इससे कंपेरेबल क्यों नहीं है? एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गया है तो पीरियड के एंड पे खड़े होके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे जो बजट बनाएंगे उसका नाम फ्लेक्स्ड बजट रखा हो। एक नाम है डेफिनेटली, इस नाम में कुछ फर्दर साइंस नहीं है। अब ये बजट है लेकिन बनाना किस लेवल पे है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। जरा स्टार्ट करो, पेज नंबर 85 आपके सामने है और पेज नंबर 85 के सामने, पेज नंबर 85 पे जो ओरिजिनल बजट बना वो देखो। कैसे बनाऊं ये बजट? सेल्स कैसे लिखूं? 1000 या 900? 900 इंटू 15। एक्टिविटी लेवल एक्चुअल है, बाकी है ये बजट। एक्टिविटी लेवल एक्चुअल है, बाकी क्या बन रहा है? बजट बन रहा है। तो सारी फिगर्स कहाँ से आएंगी अदर देन 900? बजट से है। सॉल्व करते रहे 13,500। 13,500 को बोले कैसे? थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को बोलने कैसे? 900 यूनिट्स को बेच के कितना रेवेन्यू होना चाहिए था? 13,500। पेज के नीचे आए, पेज नंबर 85 आपके सामने है, प्लीज मुसलसल साथ साथ में। 900 यूनिट्स को बेच के एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ है? क्या अब ये फिगर्स कंपेरेबल हो जाएंगी? 900 यूनिट्स को बेच के कितना रेवेन्यू होना चाहिए था? 13,500 कितना हुआ है? ये हमें एक्चुअल से मिल जाएगा, फिर बाद में भी कंपेरिजन करते हैं। जी सर, सेल से आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक्स अभी हमारी डिस्कशन में नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक छोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखना। मटेरियल कैसे लिखना? एक्टिविटी लेवल हो गया 900 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 3। आंसर आ गया
कुछ कह नहीं सकते सर, यही नंबर कौन सा है सर, जहां आंसर है वहीं हम हैं, दो और तीन कहाँ से आया है, पेज से आया है, 900 कहाँ से आया है, वहीं से आया है, बन क्या रहा है, किस लेवल पे बन रहा है, बजट बन रहा है एक्चुअल लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बन रहा है, तो 5400 का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था अगर 900 यूनिट्स बने हैं, लेबर की वर्किंग करें, हाँ जी बाकी कंपैरिजन अभी करते हैं, 900 इंटू वन इंटू 2.4 आंसर, तो 160 की लेबर कॉस्ट आनी चाहिए थी कितने यूनिट्स को बनाने में, वेरिएबल ओवरहेड्स 900 इंटू वन इंटू 0.96 864 को बोलने की कोशिश करें क्या, ये नामुमकिन है इसके बारे में बोलना, नहीं सर ये बजटेड नहीं है, 900 एक्चुअल यूनिट्स को बनाने में 864 रुपीस के वेरिएबल ओवरहेड्स लगने चाहिए थे, सारा बजट ठीक है एक्चुअल एक्टिविटी पे लगने बजट, 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल 5400 लगना चाहिए था, 900 यूनिट्स के बनाने में 2160 की लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 900 यूनिट्स के बनाने में 864 के वेरिएबल ओवरहेड्स लगने चाहिए थे, नेक्स्ट वर्किंग पहले करवा दें, फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग कैसे करें, 900 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 आंसर आ गया, 900 यूनिट्स अगर बने हैं तो फिक्स कॉस्ट 2164 होनी चाहिए थी बजट के मुताबिक, वहां कितना नजर आ रहा है, वहां कितना नजर आ रहा है, सॉरी फिगर कितनी 2160 2400 क्या है, ये 2160 क्या 2400 बजटेड है, लेकिन कितने यूनिट्स की बेस पे, लेकिन अगर 900 यूनिट्स की बेस पे बजट बना होता तो बेस्ड ऑन दिस डाटा 2160 के ओवरहेड्स होने चाहिए थे, यहां तक एक टोटल करें, जो है ये टोटल कॉस्ट होनी चाहिए थी अगर 900 यूनिट्स एक्चुअली बने हैं, ठीक है, और देर फॉर 900 यूनिट्स बना के ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इग्नोरिंग स्टॉक्स 291416 कंप्लीट करेंगे 2916 सर, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल है, ये क्या बनाया है आपने और किस लेवल पे बनाया है? ये एक बजट बनाया आपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे, तो उसका नाम है असल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक नाम है, एक बजट बना है एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल पे, तो उसका नाम फिर हो गया फिक्स बजट, और जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बनाया जा रहा है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम रखा, क्या ये वैसे है बजट, लेकिन ये किस लेवल पे है, ये कब बनता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ये बनता क्यों है, ताकि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से कंपेयर हो सके, इसको बनाने की जरूरत ना हो अगर क्या किसके बराबर हो जाए, अगर एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल ही एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के इक्वल होता है तो फिर हमें इस वर्किंग की जरूरत नहीं पड़नी थी। देन सर यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से, इससे पहले कि हम कंपैरिजन करें, फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से तीन फिगर्स हैं पेज नंबर 85 पे, ना ओरिजिनल बजट में 2400 रुपए, ये 2400 था बजटेड एक्सपेंस, पीरियड के स्टार्ट पे हमारा अंदाजा था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के 2400 रुपीस होंगे, ठीक है, खर्चा सोचा गया था फिक्स्ड ओवरहेड्स का 2400, नीचे है एक्चुअल में जो 2500 है ये है कि खर्चा एक्चुअली हो गया है 2500 एट द एंड ऑफ द पीरियड, मींस वेरियस है इसमें, लेकिन अभी जो आपने वर्किंग की है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स की फिगर आई है 2160,
ये आई कैसे है? आपने एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई है, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट किया है। ये 2.4 की वर्किंग होने दे रहा है पेज नंबर 85 के स्टार पे। ये 2.4 क्या था? ये अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे हुआ था? तो मैंने स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट फाइंड आउट किया है। ये वाला जो काम है ये हम पहले भी करते रहे हैं, देयर फॉर मैं जरा इसका यहाँ जरा आपको एक नाम बता के आगे चलना चाहता हूँ। वैसे तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन फिर अभी और भी आगे है। अपने रजिस्टर में वहीं जाएं जहाँ कल प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने 40 पर आर का एक रेट ढूंढा था। क्वेश्चन नंबर वन हुआ था प्रोसेस कॉस्टिंग में 40 पर आर रेट, प्रोसेस कॉस्टिंग में वापस जाना है 40 40 40 40। 40 क्या था? एक अब्जॉर्प्शन रेट था बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ऐसे था सर। अब 40 जेब में रख के ऊपर लेजर में चले जाए, लेजर की डेबिट साइड पे डाटा मिल गया सर। आपने इस 40 को बड़ा फिर मल्टीप्लाई किससे किया? 150 क्या था? एक्चुअल लेबर आवर्स, इन्हीं के बेस पर अपने लेबर कॉस्ट भी ऊपर फाइंड आउट की हुई है। तो आपने इस 40 को जब मल्टीप्लाई किया एक्चुअल लेबर आवर्स से, क्योंकि आर्ली रेट था, तो आपके पास जो 6000 की फिगर आई आपने उसका फिर एक नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? अब्सॉर्ब्ड चार्ज या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड लिखा हुआ, और आपने उसकी डबल एंट्री क्या सोची हुई है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब बोर्ड पे जरा काइंडली देखें, ये जो 900 है ये क्या है? ये एक्चुअल प्रोडक्शन है यूनिट्स में, लेकिन फर्क ये है कि रेट जो 2.4 है ये क्योंकि पर यूनिट कैलकुलेट हुआ है इस डाटा में, इसलिए देर फॉर ये मल्टीप्लाई हुआ हुआ है एक्चुअल यूनिट से। वरना वहां और यहाँ है सिमिलरिटी, वो क्या है? वहां भी एक्चुअल एक्टिविटी है, 150 किसे बोला मैंने आपको, एक्चुअल एक्टिविटी है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट है। यहाँ भी एक्चुअल एक्टिविटी है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। डिफरेंस क्या है? वहां आपके पास एक्टिविटी लेवल आवर्स में है, यहाँ इस डेटा में एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में है। तो अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये फिगर आती है अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स या अप्लाइड या चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। बजटेड का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड था 2400, आज हम वापस डेटा में। बजटेड मीन्स क्या होता है कि पीरियड के स्टार्ट पे क्या सोचा, एक्चुअल मीन्स क्या होता है पीरियड के एंड में कितना हो गया है, और अब अब्सॉर्ब्ड का मीनिंग क्या होता है जरा पता किसी को? कितना एक्सपेंस चार्ज हो गया, कितना एक्सपेंस चार्ज हो गया है प्रोडक्शन में, उसे अब्सॉर्ब बोलते हैं। तो इसका जरा एक नाम भी लिखें, बल्कि इसका यहाँ नाम लिखेंगे भैया पेज नंबर 86 में। पेज नंबर 86 पे जो 2160 की फिगर आ रही है ऊपर, वो ढूंढेंगे। तो बारे ये मैंने अभी ये बात आपके सामने रखी है, इसको मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर जब हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुई है फिगर? 900 क्या है? 900 के नीचे भी लिखें एक्चुअल एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल जो होता है ये यूनिट्स में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है, फिर आवर्स लेबर के भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट है, स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट। और देर पर जो इस मल्टीप्लिकेशन से फिगर आती है उसको फिर हम बोलते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स। अब यहाँ क्योंकि वर्किंग जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से हुई हुई है इसलिए अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। डेफिनेटली इसी का एक और नाम क्या है? चार्ज का एक और नाम क्या है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसका मीनिंग क्या है? इतना खर्चा रिकॉर्ड हो गया है या होना है? अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड जरा ध्यान में लाए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेजर ध्यान में लाए। डेबिट साइड पे क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है? एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब वाली एंट्री दोबारा बोले वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, एक्चुअल डेबिट साइड पे, अब्सॉर्ब क्रेडिट साइड पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर पिछले पेज पे जाए पेज 85, एक्चुअल 2500 अगर और अब्सॉर्ब 2160 है तो क्या कम खर्चा चार्ज हुआ है या ज्यादा खर्चा चार्ज हो गया? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 2500 क्या है जो एक्चुअल हुआ है, 216 क्या है, 2160 क्या है, अब्सॉर्ब है, कितना और चार्ज होना चाहिए वो फिर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आएगी वो फिर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री यूनिट्स की आएगी, और फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का अगर डिसीजन लेना है तो एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर किया जाता है। बहरहाल इसको अब यहाँ तक रहने दें, जितना बस मैंने समझाया इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह जब फर्दर डिस्कशन करेंगे तो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि हम इसका फाइनल कंपैरिजन करें, एक छोटा सा काम अगर पॉसिबल हो तो और कर लें। ये 5400 जहाँ लिखा है पेज नंबर 86 पे, इसके साथ उसी तरह जरा ब्रैकेट्स बनानी है जिस तरह कल पेज 85 पे बनाई है। जरा एक नजर देखें, पेज 85 पे बना ली थी हमने, पेज 85 पे 8670 ये लिख लिया था ना एक्चुअल के साथ। तो जरा इधर आए, जरा पेज 86 के स्टार्ट में, ये 5400 किया है जी, 5400 क्या है? इसको पिछले पेज से लिंक करें, पिछले पेज पे 5670 के साथ लिखा लिखा हुआ, वो तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ही का, ये भी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है। इसको कहा कहेंगे हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सिमिलरली इससे आगे वाली फिगर क्या होगी? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और इसके बाद जो फिगर है दैट इज स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एपी की से लिख रहा हूं एक्चुअल प्रोडक्शन, और ऑब्वियसली ये जो अब्सॉर्ब लिखा है हमने, अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको हम इन्हीं वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो यकीनन ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। बाकी एक नजर आप ये बजट देखते हैं, आप कोई कंफ्यूजन अगर किसी बात में रह गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लीजिए, ये जरा एसी चलाते हैं। जो लिस्टर्स प्लीज फाइनल कर ली, ये बंद कर दें। 24 को यार क्या कर सकते हैं, ये दरवाजा भी कर लीजिए, बंद कीजिए। देन सर ये जो फ्लेक्स बजट में चलो फिर आगे, फ्लेक्स बजट में ये जो ब्रैकेट्स बनी है 5400, 2160, 864, इनके सामने इनके पीछे के बल्कि कह रहे हैं जो ब्रैकेट्स हमने बनाई है जहाँ पे ये फिगर्स लिखी हुई है, इन ब्रैकेट्स को भी जरा फाइनल करें नीचे जरा वर्ड्स के साथ। 900 × 15 पढ़े नीचे क्या लिखा हुआ। 900 क्या सर? सेल के सामने एक्चुअल क्वान्टिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट। ब्रैकेट सर एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली मटेरियल की जो ब्रैकेट है, कैलकुलेटर पकड़ नहीं, पहले कैलकुलेटर उठाएंगे, 900 × 2 करें, ये सारी गेम सारी यार खत्म हो जानी है तो कहानी साथ साथ रहें। कैलकुलेटर पकड़े डेफिनेटली, कोई एक क्लास पकड़ ले सफिशियंट है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। तो 900 × 2 का मतलब 1800 क्या है? एक्चुअल क्वान्टिटी है या स्टैंडर्ड क्वान्टिटी? 2 kg लगने चाहिए थे या लगे हैं, तो इसके नीचे वर्ड्स ढूंढने जरा। इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, और ये 3 per kg क्या है? इट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी है। ये एक्सप्लेन करते जाएं साथ साथ जाने जरा। 900 को स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बोला है, ये 2 को
ना 900 को बोला है, ना 2 को बोला है, 1800 को बोला है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1800। नेक्स्ट ब्रैकेट में 900 इनटू 1 को कैसे बोले, स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अगर क्वांटिटी केजीज में है तो रेट भी केजीज में होगा, अगर आवर्स में वर्किंग हो रही है तो रेट भी आवरली होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स बोले 901 करके क्या बना, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अच्छा ये रेट भी पर आवर है, 0.4 भी रेट, 2.4 भी रेट पर आ रहा है, दोनों में कोई फर्क है? तो 0.4 में और 0.96 में कोई फर्क है, दोनों रेट्स पर आ रहे हैं। 2.4 किसका रेट है, लेबर का, जिस अमाउंट पे आपने लेबर को पैसे देने हैं, और 0.96 किस चीज का रेट है, जिस अमाउंट पे आपने इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल चार्जेस वगैरह पे करने हैं। तो दोनों पर आ रहे हैं क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करना है। 2.4 लेबर का आर्ली रेट है और जो 0.96 है ये ओवरहेड्स का आर्ली रेट है। फाइनली जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो ऊपर एक्सप्लेन भी हुए थे, नीचे भी लिखे हुए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अच्छा 2.4 जो है पर आर है, यूनिट है, 2.4 पर यूनिट है, पर आर है, पर केजी है, पर यूनिट क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई यूनिट से हो रहा है। तो व्हाट इज 900, एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, देयरफॉर रेट भी कौन सा है, पर यूनिट। अगर आर्स होंगे तो आर्ली रेट, केजीज होंगे केजीज का रेट, और क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट प्लीज 2.4 कैलकुलेट हुआ था। पिछले पेज पे जाएं दोबारा देखेंगे 2.4 कैसे आया था, कैसे आया था, कैसे आया था, बाइटेड फिक्स ओवरहेड्स को डिवाइड किससे किया था, अगर बाइटेड आर से डिवाइड किया होता तो फिर ये भी आर्ली रेट होना था और देयरफॉर इसे आर से मल्टीप्लाई होना चाहिए था रादर देन यूनिट्स, लेकिन इनिशियली इस वर्किंग को करते हुए यूनिट्स हैं तो देयरफॉर रेट भी पर यूनिट कैलकुलेट हो। डन है प्लीज। देन आ जाए फाइनली जो हमने फिगर सॉल्व किए हैं इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है फ्लेक्स बजट की फिगर से, तो इनिशियली आप लोग इस तरह करें, ये जो फिगर्स उठाई गई हैं फ्लेक्स बजट से इस पेज के स्टार्ट पर पेज नंबर 86 और पिछले पेज पे जो एक्चुअल डाटा था ये जरा फिगर्स ढूंढना है एज इट इज, वहीं से अब ये डाटा उठाया गया, बाद में फिर इनमें वेरियंस कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंसेस को जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये डाटा जहाँ जहाँ से है एक नज़र देखने सही आ गया, वहाँ से फ्लेक्स बजट से फ्लेक्स डाटा ढूंढना और एक्चुअल रिजल्ट पिछले पेज पर एक्चुअल डाटा ढूंढ लें। तो वेरिएंस एनालिसिस अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी लेवल सेम करना है और फिर सोचना यह है कि खर्चा या इनकम होनी कितनी चाहिए थी और एक्सपेंस या इनकम रिस्पेक्टिवली है कितनी। तो किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, फ्लेक्स बजट को अब एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में क्वांटिटी अब सेम है, दैट इज 900, मींस क्वांटिटी का वेरिएंस खत्म हो गया है। ठीक है, तब कैलकुलेटर साथ रख लीजिएगा, कुछ फिगर्स आएंगी उनको जरा साथ साथ एक्सप्लेन करते रहना। सेल्स के सामने जो 13,500 है इसको कैसे समझा जाए, 900 यूनिट्स बेच के 13,500 का रेवेन्यू अर्न होना चाहिए था, अर्न हुआ कितना है, डिफरेंस ने दोनों में फेवरेबल जो एडवर्स का डिसीजन है ना बेटा, ये बिल्कुल सिंपल रखना है आपने, बिजनेस अपना समझना है नंबर 1, तो बिजनेस आपका है, और नंबर 2 अगर आपको अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है और अगर बुरा लगेगा तो एडवर्स, कोई साइंस नहीं, सिंपली बिजनेस आपका, अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है, बुरा लगेगा तो एडवर्स है, और इट इज अज्यूम कि आप नॉर्मल लोग नहीं, मतलब आप नॉर्मल लोग। कितने रुपए की सेल होनी चाहिए थी और कितनी सेल हुई है, 900 डिफरेंस फेवरेबल क्यों है, सेल रेवेन्यू ज्यादा यकीनन हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ सेल्स हेडिंग है, मटेरियल के सामने है, 5400 का मटेरियल 900 यूनिट्स को बनाने में
लगना चाहिए था। 5670 का मटेरियल 900 यूनिट्स को बनाने में लग गया है। बिजनेस आपका है, क्या खर्चा ज्यादा हो गया है? कितना ज्यादा हो गया है? डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस। 270 क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? क्या ये फेवरेबल सिचुएशन है? वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, खर्चे कम होने चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए। समझ आ गया? एडवर्स। लेबर देखते हैं, लेबर कॉस्ट 900 यूनिट्स को बनाने में आनी कितनी चाहिए थी, आई कितनी है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो होना था वो हो गया है, तो बस ठीक है। अच्छा बुरा की बात बनती नहीं है, क्या जो होना था वही हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। वेरिएबल ओवरहेड्स 900 यूनिट को बनाने में लगने कितने चाहिए थे? ये लगने कितने चाहिए थे, जब मैं वर्ड यूज करता हूँ तो एक्चुअल जेन में आता है या फ्लेक्स जेन में आता है? खर्चा वेरिएबल ओवरहेड्स के कितना लगना चाहिए था? 864। एक्चुअली खर्चा हुआ कितना है? डिफरेंस में, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। क्या एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो गया है? कितना ज्यादा हो गया है? तो एक्चुअल एक्सपेंस अगर ज्यादा है तो एडवर्स है। एक्चुअल इनकम ज्यादा है, फेवरेबल है। एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है, एडवर्स है। एक्सपेंस अगर एक्चुअल कम हो जाए, फेवरेबल है। इनकम कम हो जाए तो एडवर्स है। फिक्स्ड ओवरहेड्स लगने कितने चाहिए थे अगर 900 यूनिट्स बने? 2160। लगे कितने हैं, कितना डिफरेंस है? क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? देयर फॉर एडवर्स है। और एक और एंगल से सोचा जरा, अपने जेन में जरा फैक्ट्री वर्ड्स का एक लेजर बना जरा। डेबिट साइड पे एक्चुअल कितना आएगा? 2500। अप्लाइड कितना आएगा? अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है? तो वो भी एक अलग बहस है। उसकी अगर एंट्री करनी है तो अंडर अप्लाइड के एंगल से करेंगे। फेवरेबल एडवर्स का अगर डिसीजन लेना है तो खर्चा होना कितना चाहिए था? 2160। हुआ कितना है? क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा हुआ है? कितना ज्यादा हुआ है? एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। कैलकुलेटर एक मिनट भाई, का एक टोटल जरा इसके सामने भी कीजिएगा, जरा बोर्ड पर देख रहा। ये जो टोटल हुआ ना एक्सपेंसेस का, जो टोटल है, इन दोनों में डिफरेंस लेना। 108580, सॉरी 10584 एंड 11410, 826। आप इधर लिखें इसके सामने। ये 826 किसका डिफरेंस है? कॉस्ट ऑफ सेल, चलो ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल होनी कितनी चाहिए थी? 10584 है कितनी? क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, फेवरेबल है, एडवर्स है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एडवर्स है? और डेफिनेटली ये जो 826 एडवर्स है, ये किन 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 के एडवर्स होने की वजह से टोटल एडवर्स हुआ है? एक बॉक्स भी बनाए और इस बॉक्स का सम करें। 270 एडवर्स था, 216 भी एडवर्स है, 340 भी एडवर्स है, तो टोटल खर्चा कितना ज्यादा है? 827। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो ये एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स एडवर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, फेवरेबल्स फेवरेबल्स हों तो वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर फेवरेबल्स और एडवर्स हों तो आपस में नेट अप हो जाएंगे। अच्छाइयां भी जमा हो जाती हैं, बुराइयां भी आपस में जमा हो जाती हैं, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई एक दूसरे से टकरा जाए तो या अच्छाई नेट बच जाएगी या बुराई नेट बच जाएगी। अच्छाई कब बच जाएगी? अगर अच्छाई ज्यादा होगी, जिसका मतलब आप ज्यादा है, और अगर बुराई ज्यादा हो जाए तो फिर बुराई बच जाए। अगर एडवर्स ज्यादा है तो नेट एडवर्स आंसर आ जाएगा, अगर फेवरेबल ज्यादा है तो नेट फेवरेबल आंसर ज्यादा आ जाएगा। एक लास्ट लाइन में याद रहा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 900 यूनिट्स बेच के? है कितना? क्या एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, एडवर्स है, वाई फेवरेबल? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना फेवरेबल है? डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ना ना। 824 का आंसर 74 क्या है? वाई फेवरेबल? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिजनेस है। एक और एंगल से फाइनल करना, जरा 900 फेवरेबल असल था,
सेल्स में 900 का फेवरेबल वेरिएंस था और एक्सपेंसेस में टोटल 826 का एडवर्स वेरिएंस था। तो ये दोनों फिगर्स आपस में नेट ऑफ होके फेवरेबल क्यों बचा? फेवरेबल अमाउंट ज्यादा, तो फेवरेबल एडवर्स को इकट्ठा करेंगे तो नेट आंसर आ जाएगा, एडवर्सेस ऐड हो जाएंगे और अगर फेवरेबल्स भी हो एक से ज्यादा आपस में वो भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन फेवरेबल और एडवर्स आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन किसी फेवरेबल एडवर्स में? ये ऑनलाइन सब लोग क्लियर? चले रजिस्टर का नया पेज निकल। एक नया पेज करने निकाल के हेडिंग लिखे मटेरियल टोटल वेरिएंस। अब ये जो हमने डिस्कशन की है पेज 85 86 पे, उसी की बेस पे जरा हमने फर्दर अब एनालिसिस करना। तो मटेरियल टोटल वेरिएंस की एक हेडिंग लिखे और पेज नंबर 86 के जरा एंड पे रहिएगा। मटेरियल का जो वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है 270 एडवर्स, उसकी जो फिगर्स लिखी हुई है 5400 और 5670, इस पे जरा फोकस रखना आप। ये कहीं से जरा ढूंढ के बताएं 5400 कैलकुलेट कैसे हुआ होगा? ये फ्लेक्स बजट से आया होगा, ऊपर जाए फ्लेक्स बजट से, ये कैलकुलेट कैसे हुआ होगा? ये कैलकुलेट कैसे हुआ हुआ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ली गई है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट हो गया। अभी इसका देख नहीं लिखना, पहले सिर्फ लिखवाना है मुझे क्या हुआ। ये 5400 आपको मिला कहाँ है? फ्लेक्स बजट में मिला है। फ्लेक्स बजट के में ब्रैकेट एक बनी हुई है, उस ब्रैकेट में जो हुआ है मैं उसको नीचे ट्रेस कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। 900 × 2 करके आया क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या था? स्टैंडर्ड रेट पर केजी। देन नीचे वापस आए, 5400 के सामने 5670 कहां से आया? एक्चुअल कहां है? पेज 85 पे जाए, पेज 85 पे 5670 के साथ ब्रैकेट जो पीछे बनी है उसको जरा एक्सप्लेन करवाएं, वो ब्रैकेट कैसे बनी हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उठाई हुई है और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन गई है और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट किया गया है। ऐसे ही है। अब मुझे जरा डाटा ढूंढ के बताना है, आपने जो मैं फिगर्स पूछूं अपने इसी डाटा से मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज बता दें, ढूंढे कहीं, ढूंढे ढूंढे। शुड टेक का मतलब, शुड टेक का मतलब कितनी क्वांटिटी से लेनी चाहिए थी। टू की बात हो रही है, 1.8, टू की बात है 1.8। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए थी? वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, टू की बात हो रही है 1.8। 1.8 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्चुअली ली है, एक यूनिट का बनाने में क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए थी। जब मैं इसका वर्ड बोलूंगा तो आपका जहन बजट की तरफ जाना चाहिए। व्हाट इज 900? एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज टू? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। अगर 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 का नाम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी कहां से मिलेगा? बजट से या एक्चुअल से? ढूंढ के बताएं कितना है। दोबारा कैलकुलेटर पकड़ें, 900 × 2 × 3 करें,
5400 का नाम इसके सामने पड़े जो फ्लेक्स बजट में पेज 85-6 के सामने लिखा हुआ है, इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। पेज 85 पे चले जाएं, एक्चुअल में चले जाएं, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन, कैलकुलेटर उठाएं, 900 इनटू 1.8 करें, 1620 का पूरा नाम है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर केजी ढूंढें, 3.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं, 5670 का नाम उसके सामने पड़े, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन बाय हाउ मच, कैलकुलेटर अलाउड है, डिफरेंस कितना आया, ये फेवरेबल क्यों नहीं है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, यकीनन आपको बुरा लग रहा है लेकिन पहले सही लग जाना चाहिए, ये भी मतलब रिटर्न लगा ले बुरा ही लग रहा होगा, क्यों बुरा लग रहा है, एक्चुअल खर्चा किससे ज्यादा है, ऑब्वियसली किससे ज्यादा है, तो एक्चुअल खर्चा कितना ज्यादा है, देयर फॉर एडवर्स है। अब आप ये करें लेकिन कैंडली ऐसा करना है कि पेज के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे है, मैंने जरा इसके नीचे भी कुछ लिखना है, तो कैंडली लेफ्ट और राइट साइड जो आपके पास पेज की है उस पर खुला खुला बनाइएगा लेकिन सेंटर में जरा जगह रखिएगा। आपका सारा फोकस प्लीज पेज नंबर 85 और 86 पे रहना चाहिए, अगले पेजेस पे भी नहीं जाना, अभी हम इस तरह नहीं चल सकते। जब भी कभी ये एब्रीविएशंस आप लिख रहे हो तो आपने बोलना पूरा ही है, ये एज इट इज बोर्ड से देखे ए क्यू यू फॉर ए पी इनटू ए आर, ये कोई बहस नहीं है, ये जो लिखा है ये पूरा बोल के जहन में सेट करना है। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी, पर केजी क्यों, क्योंकि क्वांटिटी यूज केजी में। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ, इनटू एक्चुअल रेट पर केजी, कहानी का नोट कर लेंगे तो बताइएगा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स में। जी सर, ये नोट चले सर, ये जो वेरियंस है इसको जरा फर्दर जरा डेप्थ में एनालाइज करना है। ये फिगर्स जिन ये फिगर जो हमारी है 5400 और 5670, ये जिन फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन से आई है, मींस एक लाइन जरा पीछे चला जाए, 900 900 जो कैलकुलेशन हुई थी, एक्चुअल प्रोडक्शन तो दोनों में सेम है, 2 और 1.8 में फर्क है, 2 क्या था, 1.8 क्या, 2 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर वन यूनिट, और 1.8 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वन यूनिट। 900 इंटू 2 तो होपफुली आप सॉल्व कर लेंगे, 1800 केजीज बनता है 900 इंटू 2, उधर जो वर्किंग है वो करेंगे, एक दफा दोबारा करना, 900 इंटू 1.8 की तो ये लिखना, दोबारा सामने रखना, 1800 सॉरी 900 इंटू 2 मींस 1800 का सोचें, तो 1800 इज
जो क्वांटिटी 900 यूनिट्स को बनाने में लगनी चाहिए थी, 1620 आपने कैलकुलेट किया, 1620 ये है 900 यूनिट्स को बनाने में एक्चुअली 1620 kgs की क्वांटिटी लगी है। जस्ट अगर इसको दोबारा सोचा जाए तो क्या 1800 kgs का काम 1620 kgs में हुआ? 1800 kgs का काम अगर 1620 kgs में हुआ है तो क्या ये एडवर्स सिचुएशन है? तो नीचे आंसर तो एडवर्स आ रहा है। एक स्टेप और आगे है, इधर एक थ्री है, उधर 3.5 है। इधर थ्री है स्टैंडर्ड रेट पर केजी, उस तरफ 3.5 है एक्चुअल रेट पर केजी। क्या मटेरियल 3 रुपीज पर केजी पे खरीदना चाहिए था बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअली किस रेट पे मिला है? क्या रेट में जो वेरिएंस है ये फेवरेबल है या एडवर्स है? एक्चुअल रेट ज्यादा है। तो असल में ये जो 270 कैलकुलेट हुआ एडवर्स, ये दो वेरिएंसेस का नेट इफेक्ट है। क्वांटिटी वेरिएंस भी इसमें है और रेट वेरिएंस भी इसमें है। देखने से लग ये रहा है कि क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है, 1800 kgs, 1620 kgs, और आगे रेट देखने से लग रहा है कि रेट वेरिएंस एडवर्स है। शायद रेट वेरिएंस जरा ज्यादा एडवर्स है, इसलिए नेट ऑफ करके शायद नेट एडवर्स रह गया। तो ये जो 270 का वेरिएंस है, इसमें क्वांटिटी वेरिएंस भी छुपा हुआ है और रेट वेरिएंस भी छुपा हुआ है। तो डेफिनेटली लग रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने कम क्वांटिटी से प्रोडक्शन कर दी है, जिसका मतलब शायद उन्हें कोई अप्रिशिएट करने की जरूरत है, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट वालों ने शायद महंगा रॉ मटेरियल लिया है, तो उनसे भी पूछने की जरूरत है कि आखिर महंगा क्यों लिया है? क्या वाकई इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स की वजह से उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी चीजें, या शायद उन्होंने सही सप्लायर आइडेंटिफाई करके निगोशिएट नहीं किया? तो जब तक ये वेरियंस सेग्रीगेट नहीं होगा, तो तब तक हम फिर इसको एनालाइज करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स भी नहीं ले सकेंगे। तो हम अब क्या करने लगे, इस टोटल वेरिएंस को, इसमें कौन कौन सा वेरिएंस छुपा हुआ है, क्वांटिटी वेरिएंस भी है और रेट वेरिएंस भी है, इसको अब सेग्रीगेट करने लगे हैं कि इसमें क्वांटिटी की वजह से कितना वेरियंस है और सिर्फ रेट की वजह से कितना वेरियंस है। फिलहाल जो वेरियंस आ रहा है, ये ओवरऑल वेरियंस किस और किस वजह से आ रहा है, इसमें क्वांटिटी वेरियंस और रेट वेरियंस मिक्स हुआ हुआ, हम इसे अलग अलग करने लगे हैं ताकि पता चले क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से वेरिएंस कितना है और रेट की वजह से कितना वेरिएंस है। मैं किस वेरिएंस को किन दो वेरिएंसेस में ब्रेक करने लगा हूं, मैं मटेरियल के टोटल वेरिएंस को क्वांटिटी एंड रेट वेरिएंस में सेग्रीगेट करने लगा। क्यों सेग्रीगेट करने लगा हूं, ताकि अलग अलग पता चल जाए किस डिपार्टमेंट ने कितना बचाया या एक्स्ट्रा लगाया, और किस देर फॉर डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करने की जरूरत है और किस को शायद अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। बात मेरी क्लियर है सर? क्या करने लगे करने एक दफा प्लीज आप जरूर बोल दें, किसको क्या करने लगे? मटेरियल टोटल वेरिएंस को क्वांटिटी एंड रेट वेरिएंस में डिवाइड करने के लिए हम इकट्ठे हो गए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे मेरे साथ? जी ठीक है बेटा, रेट वेरियंस एडवर्स है, ये फेवरेबल एडवर्स का जो डिसीजन है ना, इसको जितना सिंपल हम रख सकते हैं उतना इंशाल्लाह रखेंगे। और मेरे नजदीक सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आपको अपना बिजनेस समझ के बुरा लग रहा होगा तो वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं हो सकती, जब अच्छा लगेगा तब फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे को रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह तो फेवरेबल है और बुरा लगेगा तो एडवर्स है। बहरहाल हमें होना नॉर्मल है और लॉजिकली सोचना है कि वाकई हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। सर देन सर, ये सेग्रीगेशन के लिए किया फिर ये जाता है कि एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेंगे हम। मेरी बात पूरी होने लीजिएगा, मैं सेग्रीगेशन के लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग करने लगा हूँ, उसको कैसे सोचना है कैसे लिखना है, मेरी तरफ भी मेरी बात भी सुनिएगा और काइंडली बोर्ड को देखो। अगर हम एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेंगे दोनों के दरमियान में, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इस वर्किंग का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, वाहिद मकसद क्या है? मैं सेग्रीगेट करने लगा,
देखिए मेरी वर्किंग है, इसमें क्या कैलकुलेट करने लगा मैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इस तरह करने से होगा क्या बोर्ड पर देखो, एक कंपैरिजन लेफ्ट साइड पे हो जाएगा और इसका एक कंपैरिजन इस तरह राइट साइड पे हो जाएगा। डेफिनेटली इस वक्त हम एक लर्निंग फेज में है, एग्जाम पॉइंट व्यू से फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे वो इंशाल्लाह बहस बाद में होती रहेगी, पहले अगर हम लॉजिकली क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह अगली बहस को इतना इशू नहीं। एक कंपैरिजन लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या कंपेयर हो जाएगा गौर से देखें, ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, इन वर्ड्स को ध्यान में रखे साथ साथ कंपेयर कर रहा, एस की जगह ए हो गया, एस क्या था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आगे क्या है एक्चुअल रेट, और आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ पहले एस की जगह नीचे ए एक्चुअल होगा। इन अदर वर्ड्स लेफ्ट साइड पे रेट कांस्टेंट रख के हम क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ क्या फर्क है लेफ्ट साइड पे सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, रेट में भी वेरिएंस है इसमें या रेट कांस्टेंट है, कौन सा रेट कांस्टेंट रख के कौन सी वर्किंग कर ली है, रेट कांस्टेंट रख के क्वांटिटी वेरिएंस इंशाल्लाह लगा हो जाएगा। अब सिर्फ राइट साइड देखा जाए निकल के बनी हुई, कहां फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ए क्यू यू फॉर ए पी तक मल्टीप्लाई में भी डिफरेंस नहीं है, उस एस और नीचे ए में फर्क है, वो आगे एस और नीचे ए क्या है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, क्वांटिटी सेम रख के रेट वेरिएंस सेग्रीगेट कर ले। अगर दोनों वेरिएंसेस इकट्ठे कैलकुलेट करने हैं कौन कौन से क्वांटिटी और रेट, तो वो वर्किंग हो चुकी है जो हमने ऊपर की है, हम इसे अगर सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो रेट कांस्टेंट रख के क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा और राइट साइड पे क्वांटिटी सेम रख के रेट वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ मेरी बात समझ आई किसी को, व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग, दिस वर्किंग जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे क्या कांस्टेंट हो गया क्या निकला है, लेफ्ट साइड पे क्या कांस्टेंट हो गया क्या निकला है, रेट कांस्टेंट होके क्वांटिटी वेरिएंस निकला है और राइट साइड पे क्वांटिटी कांस्टेंट रख के रेट वेरिएंस कैलकुलेट। लेट मी कंप्लीट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ फिगर्स जरा लिखवानी है आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन बताया बेस्ड ऑन दिस डाटा, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन बताया, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8 केजीस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी बताया, 3 कैलकुलेटर उठाया फोर एट सिक्स जीरो बताए, फेवरेबल है या एडवर्स है, फेवरेबल एडवर्स तो डिफरेंस होता है, ये तो वो सर नहीं है, वो सर नहीं है, ये वो सर नहीं है, ये तो अमाउंट है, 4860 कुछ नहीं है, फेवरेबल एडवर्स वेरियंस होता है, ये तो एक अमाउंट आई है, ये तो कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा, कंपेरिजन से डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस फेवरेबल एडवर्स होता है, सर ये कौन सी फेवरेबल आ गई, 4860 इज जस्ट अ कैलकुलेशन सिंपली उस तरह से जिस तरह पर 5400 एक कैलकुलेशन हुई हुई है और 56670 कैलकुलेशन हुई हुई है, जब हम इन फिगर्स को कंपेयर करेंगे आपस में फिर डिफरेंसेस से डिसीजन लेंगे कि फेवरेबल है या एडवर्स है, तो 4860 इज नथिंग बट अ कैलकुलेशन जो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेग्रीगेशन करने में हेल्पफुल कैसे रहेगी, दोबारा बोर्ड पर देखेंगे, क्या 5400 और 4860 में लेफ्ट कोई डिफरेंस है, सर जी डिफरेंस है सर, बताइएगा कितना है, 540 का डिफरेंस है, कंसंट्रेट फुल प्लीज, क्यों डिफरेंस है, क्या यूनिट्स की वजह से डिफरेंस है, क्या रेट की वजह से डिफरेंस है, रेट की वजह से भी नहीं, रेट की वजह से सिर्फ किसकी वजह से है, क्वांटिटी की वजह से हो रहा है, 900 × 2 करें अपने जहन में, 1800 केजी नीचे 900 × 1.8 1620, कैलकुलेटर पे उठाए जरा, 1800 केजी माइनस 1620
180 ज्यादा केजी लगे हुए हैं या कम केजी लगे हुए हैं? 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हुआ है, ये 180 जो आंसर आ रहा है ये केजीज में वेरिएंस है, मेरा जो 540 है ये रुपीज में वेरिएंस है। आप अपने इसी 180 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें तो यकीनन केजीज का वेरिएंस फाइनली आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी वजह से रुपयों में कितना वेरिएंस आया है। तो 540 किसकी वजह से वेरिएंस है, क्वांटिटी की वजह से या रेट की वजह से? रेट तो कांस्टेंट थे, डिफरेंस क्यों आया है? तो क्या एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, कम लगी है, ज्यादा लगी है? फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन क्वांटिटी की बेस पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि रेट तो सेम है, तो क्या ज्यादा क्वांटिटी लगी है या कम लगी है? आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? कम क्वांटिटी लगी है, कम मटेरियल से काम हुआ है, तो फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस वेरिएंस, मटेरियल, क्वांटिटी या क्वांटिटी के साथ एक और वर्ड सुना है, इसे यूजेज कह सकते हो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, क्या मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी भी बोला जाता है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है। व्हाई इट इज फेवरेबल, रुपीज का इश्यू नहीं है, रुपीज में यकीनन आंसर है, लेकिन द फेवरेबल एडवर्स विल बी डिसाइडेड बाय द क्वांटिटी, क्योंकि रेट्स तो दोनों में सेम थे, 3 और 3। क्या कम क्वांटिटी लगी है, ज्यादा लगी है? अगर ज्यादा लग जाती एक्सपेक्टेशन से तो फिर यकीनन ये एडवर्स वेरिएंस होना चाहिए था। लेट मी कंक्लूड, फिर आप कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, यहां तक सांस लेना। कौन सा वेरिएंस किस में नंबर वन सब डिवाइड हो गया है? मटेरियल का टोटल वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस में सेग्रीगेट हो गया है, राइट साइड पे है। राइट साइड की फिगर्स क्या है? 5670 कैलकुलेटर पे लिखें और -64860 करें, डिफरेंस कितना आया प्लीज, कितना आया? 810 आया। क्यों आया? कैलकुलेशन के अंदर चले जाए, क्या 900 900 में डिफरेंस है? क्या 1.8 1.8 में फर्क है? क्वांटिटी में अब कोई फर्क नहीं है, गेम कहाँ चली गई है? किस रेट के हिसाब से खरीदना चाहिए था, किस रेट के हिसाब से खरीदा गया है? क्या एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया है? फेवरेबल सिचुएशन है, इस वेरिएंस का नाम क्या होना चाहिए? मटेरियल रेट, नहीं पहले एक सेकंड, मेरे बीच में जरा रेट की बात की, रेट या प्राइस भी से बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका कैसे पता चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है? रेट्स को कंपेयर करके। क्या एक्चुअल रेट ज्यादा है? क्या आपको एक्चुअली ज्यादा रेट पे खरीदना पड़ा है? फेवरेबल सिचुएशन है, एडवर्स है? वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है। लेफ्ट साइड देखें, वाई फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। वाई एडवर्स, राइट साइड पे एक्चुअल रेट ज्यादा है, रेट कंपेयर हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या कंपेयर हुआ है? क्वांटिटीज कंपेयर हुई हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी लग जाती तो ये भी एडवर्स होना था। आखिरी चीज सुने, ये टोटल वेरिएंस सब डिवाइड हुआ है, कैलकुलेटर पे लिखें 810 एडवर्स है और 540 फेवरेबल है, क्या इन दोनों का प्लस कर देंगे, नेट कर देंगे? नेट करके क्या आंसर आया? तो 270 जो एडवर्स असल में है वो किस वजह से 270 एडवर्स बना हुआ है? 810 एडवर्स है और 540 फेवरेबल। एक अच्छाई और एक बुराई आपस में नेट ऑफ होके बुराई फिलहाल जीत गई है। लिखे अब इसी तरह कर लिखा फिलहाल, बाद में इसको जरा साफ सुथरा करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आप,
Any question, please, sir? नोट कर लिए. देन सर जरा इन फॉर्मूलाज को जो हमने बॉक्सेस बना के लिखा है जरा थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करा दो. पेज के सेंट मेरे ख्याल आधा पेज होगा, अभी लाइन लगा दे सर. और नेक्स्ट जो मैंने लिखना है पहले लिखवा दें, आप इसी को देखिएगा जो आपने करवाया मुझे. मटेरियल का टोटल वेरियंस, टोटल वेरियंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्वान्टिटी एंड रेट, कैसे कैलकुलेट हुआ है 270 ढूंढने अपने पास. स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन ली गई है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट लिया गया ना सर. टोटल लेफ्ट राइट उधर ऊपर पहला काम जो किया ऐसा देखे ना, देखे इसमें नहीं फायदा हुआ जो मैंने किया वही लिखने लगा. 5400 की बात कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट हुआ 5400? बोले 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 उसको भी हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन, इसको डिफरेंशिएट किया एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट. आई एम टॉकिंग अबाउट 5670. तो ये मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जिसका डिफरेंस 270 एडवर्स वेरियंस आया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटीरियल टोटल वेरियंस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन into actual rate, left bracket को standard material cost of actual production कह सकते हैं. पेज नंबर 86 में ऊपर देखें, 5400 का नाम बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. डन है सर? और राइट साइड पे जो ब्रैकेट है इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. लिखें यहाँ पर
ब्रैकेट समझ आ गई है सर? सॉरी, ब्रैकेट्स के नीचे जो लिखा मैंने, पेज नंबर 56 स्टार्ट एंड राइट ब्रैकेट के नीचे मैंने लिखा है पेज 85 का एंड। नोटेड सर। देन सर, फिर हमने इस टोटल वेरिएंस को दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है, मटेरियल क्वांटिटी एंड यूजेज वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस। ठहरे, पहले लिखवा लीजिएगा। और ऑपोजिट साइड पे क्या कैलकुलेट हुआ, मटेरियल रेट या प्राइस वेरिएंस। अब ऊपर हमने बात समझने के लिए जरा एक बॉक्स सा बनाया हुआ, लेकिन जरा लेफ्ट बॉक्स गौर से देखें, देखें अपने पास रजिस्टर में अपना लेफ्ट बॉक्स, रेट कॉमन रख के क्वांटिटी में वेरिएंस आया है। देयरफॉर यहां से फॉर्मूला बनाते हुए हम रेट को शायद कॉमन रख सकते हैं। कंसंट्रेट करना फुल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को कंपेयर करना है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से, और दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, दोनों ने मल्टीप्लाई होना है स्टैंडर्ड रेट से। क्या मैंने सही ब्रैकेट बना दी है? इस ब्रैकेट को खोला भी जा सकता है, खोल के बोल दे रहा है, ये ब्रैकेट खोलेंगे कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कॉमन था, मैंने उसे कॉमन रख के जो रीजन ऑफ वेरिएंस है वो ब्रैकेट में ले गया हूं। हमारे इस वेरिएंस का नाम क्या है? क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का कंपैरिजन है, रेट तो दोनों में स्टैंडर्ड ही कॉमनली यूज हो रहा है। ये वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी, डिसीजन ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर डिसीजन कैसे होगा? अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है तो एडवर्स होगा, और अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है तो देन फेवरेबल होगा। मुझे जरा रिवाइज वर्किंग करवाएं जरा। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं क्या है, प्लीज बता दें सर। वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? शुड टेक 2 केजीज। बजट पे ध्यान जाना चाहिए, शुड टेक। इट मीन 1800 केजीज इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल क्वांटिटी की वर्किंग करवाएं, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1620, इधर आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3 स्टैंडर्ड रेट पर केजी। डिसीजन ब्रैकेट के अंदर कैसे है? 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3, 540 के साथ फेवरेबल लिखूं या एडवर्स लिखूं? वाई फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है, लिखे यहां, लेकिन राइट साइड पे जगह रखिएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस फॉर्मूला? उसी को रीराइट किया मैंने यार। आगे चले,
राइट साइड देखे ऊपर, राइट बॉक्स अपने पास रजिस्टर, क्या वहां से भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है? वहां कंपैरिजन क्या हो रहा है? टेंडेड रेट माइनस एक्चुअल रेट, हिम्मत जवानो हिम्मत, स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों में कॉमन क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों मींस दोनों ऊपर नीचे फिगर्स में एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों ने किस किस से मल्टीप्लाई होना है, सॉरी इस क्वांटिटी ने किस किस से मल्टीप्लाई होना है? स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट से, तो ब्रैकेट में डिसीजन आ जाएगा रेट्स की बेस पे और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये समझ आ रही है प्लीज मैं क्या करी जा रहा हूँ? एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द थिंग्स जो कॉमन है, बार बार लिखने की बजाय हम उसको कॉमन लेके वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है सर, फिगर्स लिखवाए जरा, एक मिनट से लिखवा दे फिगर्स। स्टैंडर्ड रेट बताया 3, एक्चुअल रेट 3.5, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की वर्किंग करवाएं, एक्चुअल प्रोडक्शन 900, 1.8 लिखें, फाइनल आंसर बताएं। 810 फेवरेबल या एडवर्स का डिसीजन ब्रैकेट के अंदर देख के करें। 810 810 810 810 810 एक रेट, एक केजी किस रेट पे आना चाहिए था, कितने पे आया है? वाई एडवर्स वाई एडवर्स वाई एडवर्स वाई एडवर्स एक्चुअल रेट ज्यादा, एक्चुअल रेट ज्यादा ठीक है सर जी, जाने दें सर, गरीब को पढ़ने दें, क्या हो गया? पहली दफा भाई आया, प्लीज भाई घर से पढ़ने आया है और आप भी जहन में लाए, आप भी ही करने आए हैं। एक मरहला चेयर का गैप रख लें, अभी और 10 15 20 मिनट है, भाई को डिस्टर्ब कर रहा है मुसलसल। जी नोट कर लीजिए सर, नेक्स्ट पेज पे हैं। पेज नंबर 86 के एंड पे आप मटेरियल वेरिएंस को हमने फर्दर ब्रेक करके डिस्कस करने के बाद अब यही काम लेबर पे परफॉर्म करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है लेबर टोटल वेरिएंस, पेज नंबर 86 के एंड पे लेबर के सामने 2160 जो फ्लेक्स के नीचे लिखा हुआ है उसकी फिगर्स ढूंढ के तलाश करके मुझे पहले बताएं ये कैसे 2160 बना हुआ है? नहीं ना, उनके नाम 900 तो डेफिनेटली इस डेटा के बेस पे ना, फाइनली क्या है वो स्टैंडर्ड आज वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर वर्किंग करवाएं, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन प्लीज, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, वन आवर, इसका मतलब 900 घंटों का ये काम था, 900 यूनिट्स बनाना, अगर हर यूनिट पे 1 घंटा लगना है तो 900 यूनिट्स 900 घंटों में बनने चाहिए थे। वन आवर ऑफ लेबर शुड कॉस्ट 2.4 रुपीज, ये शुड शुड जब लगाता हूँ ये कहाँ जाता हूँ, बजट बजट बजट, शुड कॉस्ट 2.4, कैलकुलेटर पे आंसर बताएं। 2160 का नाम फ्लेक्स बजट में ढूंढ के बताएं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट साइड पे आए फिर 2160 लिखा हुआ है पेज नंबर 86 के एंड पे, वो एक्चुअल के नीचे जो 2160 लिखा हुआ है इसे पेज नंबर 85 पे ढूंढ के बताएं ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। एक्चुअल आवर्स वर्क
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट की बेस पे हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.2 आवर्स, व्हाट इज द आर्ली रेट ऑफ लेबर एक्चुअल 2 रुपीज, कैलकुलेट करें 216 आ गया है, क्या टोटल खर्चा उतना ही हुआ जितना होना चाहिए था, हाउ मच इज द वेरियंस, देर इज नो अमाउंट ऑफ वेरियंस, फेवरेबल है या एडवर्स है, वेरियंस होगा तो फिर बात है, वंस अगेन इसी तरह नोट करने लेफ्ट राइट पर। जी नोट अगर कर लिया हो तो बताइए। जॉन लेसन्स प्लीज। देन सर आंसर तो जीरो है, लेकिन जरा लेफ्ट और राइट साइड पे जो डाटा लिखा हमने उसका जरा एक एक करके कंपैरिजन तो करें। 900 900 तो सेम है, इधर 1 है उधर 1.2 है, ये क्या है 1 और 1.2? एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए था और एक यूनिट को बनाने में एक्चुअली टाइम 1.2 लगा है। 900 इंटू 1 तो 900 घंटे बनते हैं, 900 इंटू 1.2 करके सामने रख लें जरा। कैलकुलेटर अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। 900 इंटू 1.2 करेंगे तो 1080 आवर्स है, क्या 900 घंटों का काम 1080 आवर्स में हुआ है? तो फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल है, एडवर्स है? आप लोगों ने हमेशा बिजनेस अपना समझना है और ये एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, क्या लोगों को अपना काम टाइम पे करना चाहिए? हमारी बात नहीं हो रही, एम्प्लॉइज को अपना काम टाइम पे करना चाहिए। 900 घंटों का काम एम्प्लॉइज ने 1080 आवर्स में किया है, क्या काम एफिशिएंट हुआ है या इनएफिशिएंटली हुआ है? तो आवर्स का अगर एंगल से देखें तो आवर्स में तो इनएफिशिएंसी मींस एडवर्सिटी है, लेकिन नीचे आंसर जीरो है। थोड़ा सा आगे बढ़े और, क्या रेट में भी वेरिएंस है? क्या वेरिएंस है रेट में? क्या 2.4 रुपीस पर आर की जगह 2 रुपीस पर आर देना फेवरेबल है आप लोगों के लिए, एडवर्स है? फेवरेबल सिचुएशन है, खर्चा कम हो गया है, लग रहा है कि रेट वेरिएंस और आर मींस एफिशिएंसी वेरिएंस नेट ऑफ होके जीरो हो गया है। क्या अलहदा अलहदा पता होना चाहिए कितना कितना क्या है? ओवरऑल तो नेट हो गया है, लेकिन एडवर्स कितना है, फेवरेबल कितना है, सेग्रीगेशन जरूर होनी चाहिए ताकि जहां कंट्रोल मेजर्स किए जा सकते हो वहां तो कुछ करने की कोशिश की जाए। अगर फेवरेबल है तो और फेवरेबल क्यों नहीं, और अगर एडवर्स है तो क्यों वापस क्यों नहीं? ठीक है, तो वंस अगेन इसका मटेरियल वेरियंस हुआ था, उसी तरह ये लेबर वेरियंस। अब आवर्स और रेट वेरियंस में सब डिवाइड वैसे ही हो जाएगा जैसे मटेरियल वेरिएंस हुआ था। आप एक सेकंड के लिए अपने सामने मटेरियल वेरिएंस रख लेना, उसके दरमियान में मैंने एक और कैलकुलेशन की थी, उस कैलकुलेशन ही की तरह यहाँ भी कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन वहां क्योंकि क्वांटिटी थी यहाँ आज है, इसलिए थोड़ा सा क्या चेंज आना चाहिए वो आप बताएं जरा।
एक्चुअल क्वांटिटी यूज की जगह और एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह कुछ नहीं वही, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट एज इट इज आर। लेट मी कंप्लीट वंस अगेन। इससे लिखने से होगा क्या, एक लेफ्ट साइड पे कंपैरिजन हो जाएगा और एक राइट साइड पे कंपैरिजन हो जाएगा। आप जरा इंडिविजुअली देख के बताएंगे कि लेफ्ट साइड पे कंपैरिजन करने से क्या कांस्टेंट होके कौन सा वेरिएंस आ जाएगा। रेट्स कांस्टेंट होके लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स में वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा, और राइट साइड पे हिम्मत करें जरा, क्वांटिटी की जगह आर सेम होके रेट में वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। वर्किंग करवा दो जरा दरमियान में, जो फिगर मैंने सॉल्व करनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, सॉरी एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन। वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन, वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.2 आवर्स, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट फॉर आवर 2.4। एक मिनट सॉल्व कर दें जरा, 2592 याद है, इकट्ठे होने जरा फिर फाइनल डिसीजन। ये जो नीचे मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये जस्ट एक कैलकुलेशन है ताकि उसकी बेस पे एक कंपैरिजन हो जाए और सेग्रीगेशन हो जाए एक टोटल वेरिएंस की बिटवीन टू सेपरेट वेरिएंसेस। तो जब तक कंपैरिजन नहीं आप करेंगे, कंपैरिजन के रिजल्ट में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा, फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन नहीं हो सकेगा। ये अगर नोट कर ले तो बताइए, लेफ्ट साइड पे डिफरेंस है, लेफ्ट साइड पे 2160, 2592, 432 कंसेंट्रेट आ गया 432। ये लेफ्ट साइड पे जो वेरियंस है इसका नाम जरा सोचो मेरे साथ, लेबर आवर्स, नहीं लेबर आवर्स वेरिएंस है, लेबर आवर्स वर्क वेरिएंस, लेकिन इसी को लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। ये कम घंटे लगना या ज्यादा घंटे लगना आपकी एफिशिएंसी की रिफ्लेक्शन, तो लेबर आवर वेरिएंस या लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आप एफिशिएंसी का पता चलेगा आपको जब जगह किया जा रहा हो तो ये देखा जा रहा होगा कि आप कितने टाइम का काम कितने टाइम में कर रहे हैं। अगर कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं तो एफिशिएंट काम हो रहा है, और अगर ज्यादा टाइम में कम काम कर रहे हैं तो इनएफिशिएंट काम हो रहा है। तो लेबर एफिशिएंसी मींस देखा यह जाएगा कि लेबर को कितने आवर्स में काम करना चाहिए था और कितने आवर्स में काम किया गया है। डन है सर, आंसर है 432। रीजन क्या है इस आंसर की, आवर्स में वेरिएंस या रेट में वेरिएंस, तो इसका डिसीजन भी देयरफॉर फिर आवर्स में होगा। कितने घंटों का काम कितने घंटों में, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी नहीं, वन आवर तो बेटा एक यूनिट के लिए 900 घंटों का काम 1080 घंटों में हुआ, क्या ज्यादा टाइम लगाया गया है, तो देयरफॉर ये एडवर्स है। क्या ये हमेशा एडवर्स होगा, अगर आप जैसे नौजवान होंगे तो ये फेवरेबल भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने 100 घंटों का काम कितने 100 घंटों में हुआ है, 900 घंटों का काम
1080 घंटों में हुआ है, 1080 घंटे में, राइट साइड में डिफरेंस है, डिफरेंस एडवर्स फेवरेबल से पहले इसका नाम लेबर रेट वेरिएंस। अब यहाँ प्राइस का वर्ड यूज नहीं होता क्योंकि शायद एम्प्लॉयज की बात हो रही है, लोगों की प्राइस जरा मुनासिब वर्ड नहीं है, लेबर आर, लेबर रेट आर, तो प्राइस वैसे बोला जा सकता है, खरीदना मसला नहीं है, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड इज लेबर रेट वेरियंस। क्या कंपेयर हो रहा है, क्या कंपेयर हो रहा है, रेट्स कंपेयर हो रहे हैं, तो रेट्स का कंपेयर करके बताएंगे फेवरेबल अमाउंट है या एडवर्स अमाउंट है। जाने दें यहाँ, फेवरेबल है एडवर्स है, रीजन फेवरेबल, एक घंटे की पेमेंट कितने के हिसाब से होनी चाहिए थी और कितने के हिसाब से हुई है, क्या एक्चुअल रेट कम है, देयरफॉर फेवरेबल। और एट द एंड ऑफ द डे 432 एडवर्स था, 432 फेवरेबल है, एग्जैक्टली नेट ऑफ होके जीरो आंसर हो गया था टोटल का, इकट्ठा देखा तो जीरो है, अलहदा अलहदा देखा तो वेरिएंस तो है, लेकिन जो वेरिएंस एडवर्स है एग्जैक्टली उतना ही वेरिएंस ऑपोजिट साइड पे फेवरेबल भी है। डन है प्लीज, देन इसको इकट्ठा करके घर चलते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने पहले आपने इकट्ठा करवाया, इकट्ठा करवाया, पहले वेरिएंस का नाम लेबर, टोटल वेरिएंस, लेबर टोटल वेरिएंस की पहली ब्रैकेट दिखवा दें, यहां दिखवा दें क्या हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऑपोजिट ब्रैकेट एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, लेफ्ट ब्रैकेट का नाम, लेफ्ट पूरी ब्रैकेट का नाम पेज नंबर 86 के स्टार्ट पे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट पूरी ब्रैकेट का नाम एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कहां से वर्ड्स देख के लिखे जा रहा हूं, बुक से नहीं मैं देख रहा, मतलब आपकी बुक से देख रहा हूं, आपकी बुक से देख रहा हूं, मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक पे लिखा हुआ, वहीं से देख रहा हूं, सही कह रहे हैं, बुक से देख रहा हूं, लेकिन किसकी बुक से, हमारी तो बैग में, भाई का तो रजिस्टर निकला, मैंने सर बताया नहीं ना था क्लास के स्टार्ट में रजिस्टर निकालना है, पेज 86 से स्टार्ट में जाए 2160 स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पेज 85 के एंड पे जाएं 2160 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, हिम्मत करें सर, हिम्मत करें जी, ब्रेकअप का नाम लेबर टोटल वेरियंस की दो वेरियंसेस में डिवाइड हो जाता है, लेबर आवर्स मींस एफिशिएंसी वेरियंस, एंड लेबर रेट वेरियंस। ये एक लिखवा दें वेरियंस एफिशिएंसी वाला, ऑपोजिट साइड पे फिर खुद कॉमन रख के बनाइएगा, लेफ्ट बॉक्स देखें कॉमन रखवा के बोलने क्या करो, स्टैंडर्ड आज वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आज वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों में कॉमन क्या था तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, समझ आ गया, ऑपोजिट साइड पे काइंडली खुद से देखें और एक फाइनल रेट वेरिएंस लिखें।
क्या फाइनल किया जी? रेट वेरियंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। चलें यहीं से चल मंडे को स्टार्ट करेंगे। कल का दिन वेस्ट करने की बजाय जरा रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लें। पेज नंबर 33। सारा दिन तो बारिश होनी है, जब जब मैच होगा वो देख लीजिएगा। बारिश के दौरान रहने दीजिए, सवाल करते हैं। बारिश के दौरान एक्सपर्ट ना बन जाइएगा कि अगर ये होता तो बारिश ना होती, अगर वो हो जाता तो हो जानी थी। पेज नंबर 33, पेज नंबर 35। जरा सही तरह रिवीजन कर ले सर, शायद इसके बाद हमें मुश्किल ही संडे मिले रिवीजन के लिए। अगला काम करेंगे, पुरानी रिवीजन के लिए तो मुश्किल ही। और देन पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दो जॉइंट बाय प्रोडक्ट के कर रहे और दो प्रोसेस कॉस्टिंग के कर रहे हैं। पेज नंबर 33, 35 एंड 69 पे दो, एक दो तो कम से कम ये दो दो क्वेश्चन तो घंटा डेढ़ लगा के रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज। पेज 33, 35 एंड 69 पे दो क्वेश्चन, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Thank you.